हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फ़ोनपे का लॉगिन पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी फ़ोनपे का जो है नया अकाउंट बनाया है और आप लोग चाहते हैं अपने फ़ोनपे में लॉगिन पासवर्ड को सेट करना, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि फ़ोनपे में लॉगिन पासवर्ड कैसे सेट करते हैं ताकि आपका कोई भी पेटीएम को लॉगिन करना अपने फ़ोन में जाए तो उसमें आप लोग का जो पासवर्ड डालने के लिए आए। या गाइस, अगर आप लोग किसी के फ़ोन में अपना पेटीएम लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लोग बिना ओटीपी के भी लॉगिन कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि फ़ोनपे में लॉगिन पासवर्ड कैसे सेट किया जाता है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए। तो गाइस, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फ़ोनपे का लॉगिन पासवर्ड को सेट करने के लिए सबसे पहले फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ मिलता है लोगो, लोगो पे आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ मिलता है, आप लोग देख सकते हैं, सेटअप पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब गाइस, आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड की जाएगी और ये ओटीपी आप लोग की जो है वेरीफाई भी हो जाएगी अगर ये सिम कार्ड इसी फोन में पड़ा होगा। अब गाइस, ये बोल रहा है सेट ए न्यू 4-डिजिट पासवर्ड, तो आप लोग अपना 4-डिजिट का जो पासवर्ड वो सेट कर लीजिए और इसको मिलता है प्रोसेड, प्रोसेड पर आप लोग क्लिक कर दीजिए, आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप लोग अपने फ़ोनपे का लॉगिन पासवर्ड सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को फ़ोनपे का लॉगिन पासवर्ड सेट करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है कमेंट सेक्शन पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।